यार अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक कोरियन एनिमे सीरीज को रिलीज किया गया और जिसके टोटल 8 एपिसोड आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और जिनकी जो मैक्सिमम लेंथ पहुंच जाती है 25 से 30 मिनट तक की पहुंच ही जाती है। और हिंदी की डब की बात की जाए तो काफी अच्छे लेवल की इन्होंने हिंदी डब करवाई गई है। यार देखो मैं आपको इसके करेक्टर से इंट्रोड्यूस करने के बजाय मैं उसके बारे में बताऊंगा कि इसकी स्टोरी हम लोगों को वाकई कैसी देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप एक कोरियन एनिमे सीरीज के बहुत बड़े वाले फैन है ना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना क्योंकि जिस जिसका मैं आप रिव्यू देने वाला हूँ वो आपको काफी अच्छे लेवल की लगने वाली है। बेसिकली इसके अंदर हम लोग को जो स्टोरी का पोर्टल दिखाया गया है ना वो एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में दिखाया गया है जो कि एक काफी मोटे टाइप का बंदा होता है और वो हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है। भाई जब वो हाई स्कूल का स्टूडेंट है नॉर्मल सी बात है जब वो मोटा टाइप का है तो उसके क्लास के अंदर जितने भी दोस्त वगैरह हैं दोस्त तो नहीं कह सकते जानी दुश्मन होते हैं वो उसके भाई उसे वो टाइम टू टाइम परेशान करते रहते हैं बेचारा जिस वजह से वो अपना स्कूल ही चेंज कर लेता है। और जिस स्कूल में वो जाता है जिस सिटी वगैरह में तो भाई उसे वहां पर एक बॉडी मिलती है मतलब बॉडी नहीं आप एक गाय कह सकते हो यंग गाय जैसा वो मोटा लड़का अपने फ्यूचर में चाहता था कि मैं किस तरीके से बन सकता हूं वही सेम बॉडी उसे वो मिल जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो इसके अंदर ये होता है जो वो मोटा लड़का था वो उस बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है मतलब कि स्विच कह सकते हो आप स्विच हो सकता है। अगर वो अच्छी बॉडी में सोता है तो वो बुरी बॉडी में उठेगा और अगर वो अपनी वही मोटी वाली बॉडी में सोता है तो मॉर्निंग में जो उठेगा ना वो तो यंग गाय वाली बॉडी में उठता है। अब जब उसे यह बॉडी मिल ही गई है यंग गाय वाली तो इस बॉडी को लेकर के मतलब कि अपने शरीर को जो नॉर्मल सी बात है ऐसे शरीर को लेकर के वो स्कूल जाएगा तो अब वो स्कूल में उसकी लाइफ कैसे चेंजिंग होती है उससे लोग कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं कैसे बातचीत होती है उसकी लाइफ में कुछ बदलाव आएंगे या नहीं उस यंग गाय बॉडी वाले में कन्वर्ट होने के बाद या नहीं तो ये सभी स्लाइड रोली जानने के लिए आपको इस एनिमे सीरीज को देखना ही होगा। देखो बेसिकली देखा जाए इसके अंदर जितने भी हम लोग को एक करेक्टर दिखाया गया है उस करेक्टर का नाम है बास्का और भाई इसने अपने करेक्टर के अंदर जितने भी डायलॉग्स बाजी की है उससे हमें थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट और पॉइंट वाली पॉइंट टू पॉइंट बात करने की इसने पूरी कोशिश की है। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा अगर आपने काफी टाइम से कोई एनिमे सीरीज नहीं देखी है और वो भी हिंदी डब में अगर आपको देखनी है छोटी सी सीरीज है यार आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है भाई 8 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पर चले जाओ और हिंदी डब में आप लोगों को ये सीरीज देखने के लिए मिल जाएगी। ओवरऑल आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है आपको थोड़ा बहुत तो मजा जरूर आएगा ही आएगा। देखो ये सीरीज अच्छी लगी मैंने अपना पर्सनल रिव्यू दे दिया बाकी आपने ये देखी है या नहीं अगर हाँ तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि आपको यह सीरीज कैसी लगी। और यार एक मेरे भाई की यार बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट थी कि इस सीरीज को देखो और उसका फिर रिव्यू दो दैट्स व्हाई मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं अदरवाइज मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने वाला था। वैसे दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को अपडेट भी देखने के लिए मिलते रहते हैं कोरियन ड्रामा चाइनीज ड्रामा जापानीज ड्रामा से रिलेटेड। तो बाकी मैं मिलूंगा ऐसी रोचक जानकारी की अगली वीडियो के साथ जब तक के लिए धन्यवाद।